हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स कुकिंग। और मैं हूं आपका दोस्त विनीत कुमार। मैं आशा करता हूं आपको मेरा पानी पूरी के पानी का वीडियो पसंद आया होगा। तो जो वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, तो यदि आपने नहीं देखा तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि पानी पूरी घर पर कैसे रेडी करें। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या गलतियाँ कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पानी पूरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है, और 1/4 कप मैंने सूजी ली है, ये बारीक सूजी है। यदि आपके पास बारीक सूजी नहीं तो सूजी को पीस के बारीक कर लें। और ये ब्रेकिंग पाउडर, चुटकी भर ब्रेकिंग पाउडर यूज करूँगा इसमें मैं। तो एक बड़ी सी थाली में आटा डालेंगे और जो सूजी ली थी सूजी डालेंगे, और थोड़ा सा ब्रेकिंग पाउडर। ब्रेकिंग पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है, ज़्यादा यूज ना करें। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसके बाद हम इसका आटा लगाएंगे। तो आटा लगाते हुए ध्यान रखना है कि आटा जो लगाना है बहुत टाइट लगाना है। नॉर्मल जो हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा टाइट लगाना है आटा में। सॉफ्ट आटा बिल्कुल भी ना लगाएं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो आटा लगाया वो कितना टाइट लगाया है। तो अब क्या करना है, आटे को हमें गूंदना है अपनी हथेली इस तरीके से लेके। आटे को हमें लगातार 10 मिनट तक लगातार इसको इसी तरीके से गूंदना है। तो लगभग 10 मिनट हो गए हैं। और अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब हम आटे को ढक के रखने वाले हैं 30 मिनट के लिए। 30 से 35 मिनट के लिए हम आटे को ढक के रख के छोड़ सकते हैं इसी तरीके से। रुमाल को मैंने गीला कर लिया है और गीले रुमाल में इसको रख के मैं छोड़ रहा हूँ। तो 30 मिनट बाद चलिए अपना आटा खोल के देख लेते हैं। तो हमारा जो सूजी है वो अच्छी तरह से फूल गई है और आटा भी हमारा सेट हो गया। तो अभी इसको हमें 10 मिनट और गूंदना है इसी तरीके से, हथेली के हेल्प से इसको लगातार इसी तरीके से गूंदना है। तो आप देखिए आटा हमारा कितना सॉफ्ट सा हो गया है, और इसके छोटे छोटे हम पीस कर लेंगे। एक पीस को हाथ में लेके बाकी के आटे को हम ढक देंगे तो गीले रुमाल से, और इसकी हम लोई बना के पूड़ी बेलना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पूड़ी का साइज हमें काफ़ी बड़ा रखना है और पतला करना है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट किचन काउंटर यूज कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से लगातार हमें पूड़ी को बेलते जाना है और बहुत ही पतला कर लेना, जिस तरीके से हमारा पापड़ होता है ना। तो जो थिकनेस रहेगी वो पापड़ से थोड़ी सी मोटी रहेगी। तो आप देख सकते हैं हमारी जो रोटी है वो कितनी बड़ी हो गई है, और इसको बहुत ही आसानी से हम उठा सकते हैं क्योंकि आटे को हमने बहुत ही अच्छी तरह से गूंदा है। और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल पतली कर ली है इसको मैंने। तो फ्रेंड्स, अब क्या करना है, एक गिलास लेना है या कोई भी कटर है आपके पास इस तरीके का, तो इसके हम छोटे छोटे पीस काट देंगे इसमें रोटी में से। और जो अपना एक्स्ट्रा आटा है इसको हम निकाल के दोबारा यूज कर लेंगे। दोबारा से रोटी बनाएंगे और दोबारा से गोलगप्पे इसके हम बनाएंगे, और एक गीले रुमाल वगैरह में इसको हम ढक के रख लेंगे, और अपने सारे गोलगप्पे इसी तरीके से हम रेडी कर लेंगे। तो काफ़ी सारे पीस मैंने पहले बना के रखे हुए हैं, तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो गोलगप्पे फ्राई करने के लिए ऑयल आप देख सकते हैं धुआं छोड़ रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए। और जब गोलगप्पे को हम डालते हैं तो उसको थोड़ा सा डीप दबा के डीप फ्राई करेंगे, और जब एक तरफ अच्छी तरह से बिल्कुल करारा हो जाएगा तब उसको हम पलट कर छोड़ देंगे ताकि वो दूसरी तरफ से भी करारा हो जाए। और इसी तरीके से एक एक पीस डाल के हम
इनको फ्राई करते हैं, तो जो पीस हमारे फ्राई हो जाएंगे उनको हम कढ़ाई से निकाल लेंगे और एक एक करके हम सारे गोलगप्पे अपने फ्राई कर लेंगे। तो जो पीस फ्राई हो गए हैं उनको हम निकाल के साइड में रख लेते हैं और इसी तरीके से अपने बाकी सारे पीस भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे सारे गोलगप्पे बन गए हैं। थोड़ा साइज छोटा बड़ा है वो मैंने अपने हिसाब से बनाया है, कुछ मैंने गोल बनाए हैं कुछ मैंने, आप देख सकते हैं बहुत ही क्रंची बनाई है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स पानी पूरी का जो मैंने पानी रेडी किया था उसका वीडियो आपने शायद चेक कर लिया होगा। तो आज के वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू।